बावल औद्योगिक क्षेत्र स्थित नेरोलैक कंपनी के लगभग 450 श्रमिक आज सातवें दिन भी कंपनी के गेट के बाहर धरना देकर नारेबाजी करते नजर आए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर कंपनी अपनी हट धर्मिता नहीं छोड़ती है तो जल्द ही आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों के नेताओं से भी उन्हें मिल रहा है समर्थन, जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रम अधिकारी के साथ उनका समझौता हो चुका था, लेकिन कंपनी प्रबंधकों ने दोबारा से फैसले में टांग अड़ा दी, जिसके चलते फैसला सिरे नहीं चढ़ सका। सतपाल जी, क्या पूरा मामला है? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? सर, कंपनी ने बिना नोटिस दिए और 450 आदमी निकाल दिए। हम सुबह शिफ्ट में आए थे, सुबह गाड़ी नहीं भेजी, जैसे तैसे आकर के आए हम। उन्होंने हमारा गेट बंद कर दिया। क्या कारण रहा गेट बंद? कोई कारण नहीं बताया आज तक, अभी तक हम बार बार पूछ रहे हैं जो कारण बताओ। क्या आज कौन सा दिन है? सातवां दिन है सर। आज सात दिन से जो अधिकारी है, श्रम अधिकारी है, क्या उनके द्वारा कोई बातचीत हुई है? बातचीत हुई लेकिन वो फैसला नहीं हुआ। क्या बात हुई थी, क्या मांग थी आपकी? क्या वो मांग ही नहीं है जी, हमें ये मांग हम काम करें, हमें काम पे। वो क्या कहते हैं, काम पे क्यों नहीं ले रहे? वो कह रहे हैं अंडरटेकिंग फार्म भरो, कोई उनका कोई वो है न। हमें जब काम रोका ही नहीं तो हम किस लिए भरे? इसी पर श्रम अधिकारी के से अब बातचीत है। श्रम अधिकारी कल भी आए थे जी, उन्होंने बोला था जब समझौता हो, समझौता करवा दिया था रात को 3 बजे तक। ठीक है, उन्होंने लिख भी दिया, सब हो गया था, सबके साइन भी है उस पर। अब सुबह से ड्यूटी आ जाना, वो भी नहीं माना। मान फैसला नहीं मान रहे, लगातार आप 7 दिन से बैठे हैं, ऐसे में आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे देखो बड़ा फैसला लेंगे जी, कोई इससे कोई ऐसा बड़ा फैसला लेंगे जो सरकार की आंखें खुले। ठीक है, हम नरेश सोनी। नरेश जी, क्या मामला है? मामला ये है जी, जैसे हमारे कैजुअल वर्कर थे उनको निकाल दिया गया। अब ये बताओ 15 साल उनको काम करते हुए हो गए, तो उनको कुछ बनता है कि हम पैंट बनता है कि कपड़े खराब हो जाते हैं, एक जोड़ी कपड़े दो तो जूते दे दो, ये तो मांग सकते हैं। और उनको जो भी मांगने गए तो उनको निकाल दिया सर। उसके बाद में जैसे यूनियन ने मांग उठाई उनकी, तो अगले दिन यूनियन का भी गेट बंद कर दिया गया, वो कन्वेंशन नहीं भेजा पक्के कर्मचारी का। उसके बाद सारे कच्चे पक्के सारे कर्मचारी उन्होंने निकाल दिए, और शरीफ आदम के लिए पुलिस बिठा रखी है। और गुंडे आप देख सकते हैं, इनको गुंडे अंदर घूम रहे हैं। और यहाँ पे आप हमें डराया धमकाया जाता है, दारू पिला के ना आसपास के ये भेजे जाते हैं, इनको भेजे जाते हैं जो बदमाश ये गुंडे। अभी आप वीडियो बना सकते हैं कि काम करने वाले हैं या नहीं है, जो आप अभी देख के आए हैं। अनट्रेंड मतलब ये है कि इनको दारू पिला के बाहर निकाल देते हैं, इनको धमकाओ, गुंडागर्दी हो रही है हमारे साथ में और शोषण कर रहे हैं। और एक जी हमारे दलीप मैनी जी हैं, जो इन्होंने एडवाइजर रखे हुए हैं, वो कई कंपनियों को बंद करवा चुके हैं। और ये प्रशासन उनको सपोर्ट कर रहा है कि इतनी कंपनियों को बंद करवा के और फिर उस आदमी को इस कंपनी में रखा हुआ है कि ये कई कंपनी, उनका रिकॉर्ड है पूरा। डीएलसी साहब ने उनको बताया कि आप ये करते हैं, तो उनको मीटिंग से भी निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी वो इतने मतलब बेशरम आदमी है कि यहाँ पे रखे हुए हैं उनको मैनेजमेंट ने, और उनसे एडवाइज, ऐसे आदमी से एडवाइज ले रहे हैं जो कई कंपनियों को बंद करवा चुके हैं, वर्करों का शोषण करवा चुके हैं। और ये बावल इंडस्ट्रील को उठवा के छोड़ देंगे यहाँ से, ऐसे को ये नौकरी पे रख रहे हैं। अब कुछ और कर्मचारी नेताओं से बातचीत हुई आपके? बिल्कुल जी, हमारी बातचीत सभी से हो रही है। अगर सभी, अगर हमारा समाधान नहीं होता, सभी कंपनी के हम कर्मचारी इकट्ठा होकर ना बड़ा आंदोलन करेंगे, मंत्री जी के पास जाएंगे। अभी हमने मंत्री जी को भी ये ज्ञापन दिया है कि हमारा फैसला करवाया जाए बीच में आके, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है हमें कि आप आराम से बैठे रहिए। मगर जी हम तो आराम से बैठे हुए हैं, और हम आराम से बैठे हुए, आप हमारा फैसला करवा दो, खाली हम अंदर चले जाए, काम करें शांतिपूर्वक, हमारी कुछ मांग नहीं है, चाहे काम करें।